खरगोन जिले के महेश्वर थाना अंतर्गत बड़वेल में मुखबिर की सूचना पर मदन पाटीदार के खेत में दबिश देकर 100 गांजे के पौधे जब्त किए गए। थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़वेल ग्राम में मदन पाटीदार कृषक है, उसने कपास की आड़ में गांजे के पौधे लगा रखे हैं। हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, टीम के साथ खेत में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 100 गांजे के पौधे खेत में पाए गए, जिसे पुलिस ने उखाड़ कर जब्त किया है। कृषक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। सर, अभी क्या कार्रवाई की गई है? ये बड़वेल गांव है जिसमें मदन पाटीदार ये कृषक है, और एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसने अपने खेतों में कपास की आड़ में गांजे के पौधे लगाए हुए हैं। जो मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर मैं ये टीम के सब इंस्पेक्टर दांगी, सब इंस्पेक्टर अभिषेक, आरक्षक रवि, विजय, आशीष और महिला आरक्षक सरिता के साथ आकर यहाँ पे दबिश दी। देखा कि कितने पौधे मिले सर? ये कम से कम होंगे 200 के आसपास हैं पौधे, जिसमें ये गांजे के पौधे हैं जो इन्होंने अवैध रूप से लगा रखा है। इस पर विस्तार से भी कार्रवाई होगी। सर, अभी और भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो क्या कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी? हाँ, कार्रवाई जारी रहेगी, और भी गोपनीय तौर पे पता लगाया जाएगा कि इस तरह की पहाड़ियों के बीच में बड़वेल है, और यहाँ पे जो किसान लोग चुपके से लगा लेते हैं पौधे और इसकी अवैध रूप से खेती आंशिक रूप से करते हैं। इस पे सर किस तरह की कार्रवाई संभव है? ये NDPS एक्ट का मामला है, जो NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। NDPS एक्ट के तहत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।